आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति आरोग्य क्षेत्र में अपनी पहचान खुद बनाकर मराठवाड़ा के डॉक्टर के साथ इंटरव्यू लेते आ रहा है। अब आरोग्य जागृति की टीम जिस हॉस्पिटल का पूरे देश में नाम है, रिलायंस हॉस्पिटल, वहाँ के प्रतिष्ठित और मोस्ट सीनियर और अनुभवी डॉक्टर जो कि औरंगाबाद घाटी से ताल्लुक रखती है, डॉक्टर डावर, ये स्त्री रोग तज्ञ हैं। इनसे आरोग्य जागृति के संपादक ने मुलाकात करके महिलाओं के समस्याओं के बारे में बात की। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो अपने औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद में पढ़ाई हो चुकी है, औरंगाबाद में काफी दिन उन्होंने गायनिक में काफी लोगों को अनुभव उनका है। और आज सवाल अभी उठ रहा है कि जो महिला है, जो न्यू मतलब जो पेरेंट ये होते हैं, तो अभी उन लोग क्या करते, प्लान करते हैं कि भाई हम 7 साल के बाद रखना है या बीच में क्या 10 साल में देना है, तो इसकी वजह से कैंसर पे कुछ ऐसा कुछ महसूस होता है? नहीं, कैंसर के ऊपर तो नहीं, मगर उनके प्रेगनेंसी पे जरूर होता है। पहले हम, मैं 40 साल से पढ़ा रही हूँ, तो हम पहले बताते थे कि भाई 20 से 30 का ये पीरियड है, ये पहला बच्चा कर ले। मगर आज आप देखोगे शादी ही नहीं 30 साल तक हो रही है, करियर ओरिएंटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना वो भी ठीक है, मगर 35 ये लिमिट है। 35 के पहले पहला बच्चा हो तो माँ और बच्चा स्वस्थ रहते। जैसे ही 35 साल से उम्र के बाद के प्रेगनेंसीज होते हैं, जिसको हम एल्डरली बोलते हैं, एल्डरली प्राइमरी, उनका माँ का बीपी बढ़ सकता है, उनका डायबिटीज, मधुमेह, शुगर की बीमारी आती है। उसके बाद बच्चों में मतिमंद, डाउन सिंड्रोम नाम सुना होगा, माँ बाप का उम्र जैसा, तो हमें काफी टेस्ट करने पड़ते हैं, 3rd महीने में 5th महीने में सोनोग्राफी, क्योंकि हमें किसी को भी जिसमें मालफॉर्मेशन है ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए। तो देखिए, करियर तो दोनों है, अपना करियर रहता है हर एक महिला जो काम कर रही है, पर ये ऑब्स्टेट्रिक करियर है, तो ये दोनों का भी ध्यान रखते हुए बहुत लेट प्रेगनेंसी करने में भी माँ और बच्चे को रिस्क, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम बोलते हैं, वो रिस्क बढ़ जाता है। थैंक यू मैम। कि लाइफस्टाइल जो सब चेंज हो रही है, शादी का टाइम, बच्चे होने का टाइम, इससे भी कहीं ना कहीं कैंसर का संबंध आता है। अगर कैंसर बढ़ रहा है, मगर उसके लिए हमारे पास आज एक उपाय भी आ गया है। हमारे देश में सबसे गायनिक कैंसर जो अहम है वो थैली का, बच्चादानी का कैंसर, यूट्राइन कैंसर, और बच्चादानी के मुख को सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर। तो ये दो कैंसर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, और इन्हें नहीं होना इसलिए हमारे पास आज एक वैक्सीन आ गया है। आपको पता होगा टीका लगाया जाता है, टीबी का लगा जाता है, पोलियो वगैरह, पर कोई कैंसर का टीका आज तक नहीं था। और ये जो टीका है ये HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इस वायरस का इन्फेक्शन नहीं होना इसलिए ये टीका होता है, इसको HPV वैक्सीन बोलते। तो HPV वैक्सीन देने से उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं होता, जो 70-80% कैंसर सर्विक्स और यूट्रस की वजह है। तो आज हमें इस चीज को समाज तक ले जाना है कि छोटी लड़कियां जिनका महीना भी नहीं आया हो और शारीरिक संबंध होने के पहले ये वैक्सीन दिया तो ही HPV इन्फेक्शन से हम उनको बचा सकते हैं। तो 10 से 15 साल की लड़कियों को देंगे तो 2 डोज ही देना है, और 15 साल के ऊपर की लड़की या महिला को भी लेना है, मगर शारीरिक संबंध होने से पहले, ये जरूरी बात है, तो शादी के पहले ये करना है, और उसके 3 डोज दिए जाते हैं। और उसका आज ये 1 डोज 3,500 का लगता है, तो ये खर्चा नहीं समझते हुए इसको इन्वेस्टमेंट समझे कि बड़ा होके अगर किसी को कैंसर होता है सर्विक्स या यूट्रस का, फिर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो इसलिए इस HPV वैक्सीन को अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, ये 10-15 साल की जो बच्ची आए, और उनसे आप 2 डोज जरूर ले लीजिए, आगे चल के आपका यूट्रस और सर्विक्स का कैंसर होने का प्रमाण बहुत ही निग्लिजिबल हो जाता है। जैसा मैडम आपने बताया कि HPV जो वैक्सीन देना जरूरी है, yes. आज हमारे समाज में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, बराबर ना। और गायनिक जो लेडीज होती है, अपने जो प्रॉब्लम आते हैं ये छुपाती है,
इसकी वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो आप हमारे महिला को बताइए कि महिला ने अपने जो प्रॉब्लम जो होते हैं ये बताना चाहिए। तो महिलाओं को ये कैंसर जो होते हैं, कोई थोड़े कैंसर तो छोटे उम्र में भी होते हैं, मगर ज्यादा करके कैंसर 40 के बाद के उम्र में होते हैं। और इसमें गायनेकोलॉजी में पैप स्मियर नाम की एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, मगर उसके लिए आपको स्त्री रोग तज्ञ के पास जाना है और वो अंदरूनी जो गायनिक चेकअप बोलते हैं वो करना है। अपनी महिलाएं जब तक बहुत तकलीफ नहीं हुए, बहुत खून जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तब आती है, तब भी हम कैंसर का निदान करते हैं, मगर वो कैंसर बढ़ चुका है। और कैंसर अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर में हुआ भी नहीं है, उसके पहले भी हमें पैप स्मियर से टेस्ट से है। तो ये पैप स्मियर टेस्ट 40 के बाद हर महिला ने हर 2 साल में तो एक बार करना है। कोई भी स्त्री रोग तज्ञ के पास जाए, अगर वो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइवेट में जाएंगे तो उसका लेबोरेटरी का साइटोलॉजी का पैप स्मियर का, मगर ये कराना जरूरी है। उससे 2 चीज मालूम पड़ती है, वजाइनल इन्फेक्शन वाइट डिस्चार्ज भी काफी औरतों को होता है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन है वो भी माइक्रोस्कोप के नीचे हमको कि फंगल इन्फेक्शन है बैक्टीरियल है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। मगर 5 साल के बाद भी कैंसर होना है तो इसका क्लू हमें इसमें मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हर 2 साल से करते रहिए तो कैंसर होने के पहले ही हमारे ध्यान में आएगा और जो भी कोई कंडीशन है उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो गायनिक चेकअप पैप स्मियर, इससे हमें सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर के बारे में बहुत अर्ली स्टेज 0 में पता चलेगा, स्टेज 1-2 रहेगा तो फिर तो हमारे आँख को भी दिखेगा और उसके बाद में फिर बायोप्सी होगी, ट्रीटमेंट होगी। ओवेरियन कैंसर एक है जो ओवरी जो है महिला के पेट में अंदर छिपी हुई है, जब तक वो ओवरी बहुत बड़ी नहीं हो जाती महिला को मालूम नहीं पड़ेगा। हम एग्जामिन करते जब भी छोटा सा 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर रहा हम भी नहीं मालूम कर सकते, उसके लिए उसे हर साल एक सोनोग्राफी करना जरूरी है। और वो सोनोग्राफी पेट की और एब्डोमेन एंड पेल्विस कर ले तो उससे गॉल ब्लैडर की भी मालूमत पड़ती है, लीवर भी करती है, किडनी भी समझ में आ जाता है और नीचे पेल्विस में थैली कैसी है, ओवरीज कैसे है, ये भी सब मालूम होता है। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास हर साल जाए आप, जब तकलीफ नहीं है तब भी, और सोनोग्राफी और पैप स्मियर करते रहे तो हमें आगे जाने वाले ओवेरियन कैंसर, कोई भी कैंसर का एक प्रिंसिपल है, हम उनको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते, कोई भी कैंसर ले लीजिए, तो स्टेज 1 और 2 आर अर्ली कैंसर जो हम पूरा ऑपरेशन रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से हम पूरा क्योर कर सकते। स्टेज 3 और 4 कोई भी कैंसर रहो, ओवेरी रहो, सर्विक्स रहो, पेट का रहो, किडनी का, फिर वो पूरा हम नहीं कर सकते और बहुत पेशेंट को तकलीफ होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि पेशेंट पहले से आए तो हम स्टेज 0 में ही पकड़ के होने के पहले ही उसको ट्रीटमेंट कर दे, या कम से कम स्टेज 1-2 में आएंगे तो उनका कम से कम पूरा क्योर सर्जरी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के साथ हो सकता है। मैडम बताया कि महिला आज जो परिवार में सबसे ज्यादा बोझ उस पर रहता है, एक तो फैमिली का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है एंड ससुराल वालों का भी रहता है, ऐसे में वो कुछ प्रॉब्लम्स में आया तो बताती नहीं है, तो इसमें वो बहुत बड़ा मतलब रोग को आमंत्रण देती है, तो ऐसे महिलाओं को आप क्या सजेशन देंगे? मैं महिलाओं को ये कहूंगी, मुझे मालूम है, मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे बच्चे है, पति है, काम भी मैंने 40 साल से किया है, मगर अगर हमें उनका ध्यान रखना है तो हमें खुद का ध्यान रखना जरूरी है। हम ही बीमार पड़ गए, हमें ही कैंसर हो गया तो पूरा परिवार सफर होता है, क्योंकि महिला का बहुत अहम स्थान है रोल में, इसलिए वो खुद का ध्यान रखे, प्रेगनेंसी में ध्यान रखे। उसके बाद प्रेगनेंसी में तो आजकल ज्यादातर मैं देख रही हूँ कि महिलाएं जाती है हॉस्पिटल जाएंगे डॉक्टर, मगर 40 के बाद में उनको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, उनकी बहन या उनकी सहेली बोल देती है अरे महीना जाने के टाइम तो ऐसे होते ही रहता है, कुछ फिक्र मत करो, और फिर जो हमारे पास पहुंचती है 6 महीने के बाद हीमोग्लोबिन हो गया 6-7 ग्राम, फिर कैंसर निकला है, फाइब्रॉइड निकला है, फिर ब्लड देके हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे इतना ही कहना है सब महिलाओं से कि मेनोपॉज तो सबको आना है 40 के बाद, अपने शरीर के हार्मोन्स कम होते एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, और वो कम होने से ब्लीडिंग कम होना है,
एक एक महीने से जो हमेशा महीना आता है महावारी, वो 2 महीने से आ सकती है, 2.5 महीने से आ सकती है, ये नेचुरल है। जो 3 दिन महिला को ब्लीडिंग होती थी, खून जाता था, 2 दिन होगा, 1 दिन होगा, फिर बंद होना है, ये तो ठीक है। मगर जब भी आपने देखा कि महीना जल्दी जल्दी आ रहा है, 15 दिन से महीना आ रहा है, या एक बार आया तो 15 दिन जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है जो पहले नहीं होता था, खून के डल्ले गिर रहे, क्लॉट, ये कोई मेनोपॉज का लक्षण नहीं है, तो आप मेनोपॉज आएगा इस हिसाब से घर में ना बैठे, स्त्री रोग तज्ञ के पास जाए, गायनिक चेकअप कराए, पैप स्मियर, सोनोग्राफी, और अगर डॉक्टर बोलता है तो डीएनसी जैसी छोटी चीज रहती है, 5-10 मिनट में हम बायोप्सी ले लेते हैं, पैथोलॉजी में चले जाता है, प्री कैंसर या कैंसर स्टेज समझ जाती है, और फिर आपको बड़ी बीमारी होने के पहले ही हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जिस कभी भी कोई भी उम्र में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जल्दी जल्दी महीना आ रहा है, बहुत देर तक जा रहा है, खून के क्लॉट गिर रहे हैं, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेक करवाना है, हीमोग्लोबिन इतना लो हो जाए, फिर हमारे पास पेशेंट को लाया जाता है। मैडम काफी अच्छे हमारे दर्शकों को अपने मालूमात दी है गायने के बारे में। मैडम एक सवाल अभी उठ रहा है कि जो महिला है, जो न्यू मतलब जो पेरेंट ये होते हैं, तो अभी उन लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि भाई हम 7 साल के बाद रखना है, या बीच में क्या 10 साल में देना है, तो इसकी वजह से कैंसर पे कुछ ऐसा कुछ होता है? नहीं, कैंसर के ऊपर तो नहीं, मगर उनके प्रेगनेंसी पे जरूर होता है। पहले हम, मैं अब 40 साल से पढ़ा रही हूँ, तो हम पहले बताते थे कि भाई 20 से 30 का ये पीरियड है, ये पहला बच्चा कर ले, मगर आज आप देखोगे शादी ही नहीं 30 साल तक हो रही है, करियर ओरिएंटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना, वो भी ठीक है, मगर 35 ये लिमिट है, 35 के पहले पहला बच्चा हो तो माँ और बच्चा स्वस्थ रहते। जैसे ही 35 साल से उम्र के बाद के प्रेगनेंसीज होते हैं, जिसको हम एल्डरली बोलते हैं, एल्डरली प्राइमरी, उनका माँ का बीपी बढ़ सकता है, उनका डायबिटीज, मधुमेह, तो हमें काफी टेस्ट करने पड़ते हैं 3rd महीने में 5वें महीने में, सोनोग्राफी, क्योंकि हमें किसी को भी जिसमें मालफॉर्मेशन है ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए। तो देखिए करियर तो दोनों है, अपना करियर रहता है हर एक महिला जो काम कर रही है, पर ये ऑब्स्टेट्रिक करियर है, तो ये दोनों का भी ध्यान रखते हुए बहुत लेट प्रेगनेंसी करने में भी माँ और बच्चे को रिस्क, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम बोलते हैं, वो रिस्क बढ़ जाता है। थैंक यू मैम। आरोग्य जागृति।